Hi there, I'm Ashi. So in this video, I'm going to tell you about what is batting stance in cricket. So as a beginner, बहुत लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें proper knowledge नहीं होता है कि how to take a stance. So वो उनको batting करने में वो as a batter they struggle a lot. So मैं यहाँ पे जो है आपको बैटिंग एक प्रॉपर बैटिंग स्टांस जो एक अज्यूम किया जाता है एक आइडियल स्टांस जो होता है उसके बारे में आपको बताऊंगी पूरे एक अच्छे तरीके से. सो लेट्स सी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है आपका वो ये है कि टोज इन लाइन. तो यहाँ पे लाइन क्या आपके अब क्वेश्चन अराइज होगा कि किस लाइन के बारे में बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ अब लाइन में जो आती है आपकी जो टोज होगी वो लाइन पे होगी. तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बता देती हूँ. आपकी लाइन से जो अराइज हुआ वो होता है गार्ड. तो यहाँ पे आपका ये एक लेग गार्ड आ जाएगा और एक ये मिडिल गार्ड आ जाएगा. तो यहाँ पे जो है आपका लेग गार्ड और मिडिल गार्ड. तो आपने देखा होगा मैचेस में बैटर जो है जब बैटिंग के लिए जाते हैं न्यू बैटर जो जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो वो अंपायर को सिग्नल करते हैं जब वो अपने गार्ड लेते हैं. तो अगर वो वन फिंगर शो कर रहे हैं अगर बैटर जो है अंपायर को इट मीन्स दैट कि वो अपने लेग गार्ड के लिए बात कर रहे हैं. और अगर वो दो फिंगर दिखा रहे हैं अपने अंपायर को इट मीन्स दैट कि उनको मिडिल गार्ड चाहिए. आपको एक ही गार्ड लेना है या तो आप लेग गार्ड लीजिए या मिडिल गार्ड लीजिए जो आपको अपने कंफर्टेबल हो बैटिंग के हिसाब से. ये आपका लेग गार्ड हो गया ये आपका मिडिल गार्ड हो गया. और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बैटिंग स्टांस इट्स अ रेडी पोजिशन. आप अगर एक इन शॉर्ट बोलूँ तो वन वर्ड में आप बोल सकते हो इट्स अ रेडी पोजिशन कि या आई एम रेडी टू फेस द बॉलर. मैंने अगर अपने बैटिंग स्टांस ले लिया है या आई एम रेडी टू फेस द बॉल इट मीन्स दैट कि आई एम रेडी टू प्ले और यू कैन से दैट. तो देखते हैं एक आइडियल और एज्यूम करते हैं एक प्रॉपर बैटिंग स्टांस को. 360 में आपको जाना है. आपका स्टांस एक प्रॉपर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको हर एक बॉल को शॉट्स खेलने हैं आपके हर एक बॉल खेलने चाहिए. आप हर एक बॉल के लिए प्रिपेयर होने चाहिए और आपके स्टांस जो होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स होने चाहिए ताकि आप अच्छे से बैटिंग कर सको आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. इसलिए इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स. सो मैं यहाँ पर बता दूँ मैं यहाँ पर आपने आया आप मैं एज अ बैटर बता रही हूँ. मैं मान लो मैच में चली गई बैटिंग करने ठीक है. मैं आई अंपायर को मैंने वन फिंगर शो किया इट मीन दैट कि मैं लेग गार्ड मांग रही हूँ. मैंने लेग गार्ड किया आप इसको मार्क भी कर सकते हो अपने सूट से ठीक है. वहाँ पे वो आप टर्फ विकेट पे खेलोगे मैचेस तो आप अपने मार्क कर लेना सूट से ठीक है. या आप आगे यहाँ पे आपने किया ठीक है आपने यहाँ पे ले लिया. अब आपका बात आता है कि आपकी पैर जो है ठीक है. तो ये है अब मैंने अपने लेग गार्ड ले लिया. तो अब मैं आपको बताती हूँ टोज में ठीक है. आपने लेग गार्ड ले लिया आप लाइन पे खड़े हो गए. अब आपको यहाँ पे स्टांस लेना है इस लाइन पे स्टांस लेना है. अगर आपने मिडिल गार्ड लिया है तो आप यहाँ पे अपनी पूरी स्टांस लोगे. तो वही स्टांस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ आपको चेक पॉइंट क्या करना है. आप ये भी कर सकते हो कि अपने माइंड में आप चेकलिस्ट बना सकते हो और जब आप बैटिंग करने आओ अपने पहले आपने लाइन ले लिया अपने टोज आप लाइन में खड़े हो ठीक है लेग गार्ड मिडिल गार्ड में. तो अब आप अपने माइंड में सोचो कि आपको पहले क्या देखना है. पहले आपको देखनी है अपनी पैर ठीक है. आपकी फिट जो होती है आपकी ये आप ऐसे भी देखो आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो. आप इसको क्या करोगे अपने शोल्डर से ठीक है. शोल्डर से जो है आपके ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. अगर ये थोड़ा ऐसे वैसे हुआ आपने मान लीजिए किसी के कोई ज़्यादा ऐसे अपने फिट को ज़्यादा फैला देते हैं ठीक है. तो ये आपका लेग ये बाहर जा रहे हैं तो आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो. कुछ करूँगी जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे रख लिया है. ऐसे कोई बहुत लोग आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आप ऐसे क्यों नहीं रख सकते हो. तो ऐसे में क्या है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो आपकी बॉडी जो वो बैलेंस में नहीं है. तो दिक्कत ये है ठीक है. ये आपके अगर शोल्डर से परपेंडिकुलर है तो आप क्या है आप एकदम बैलेंस हो. आपका बॉडी वेट जो है आपके दोनों लेग पे है. अगर मैंने ऐसे रखा है तो मेरा बॉडी वेट हो सकता है कि इधर ज़्यादा आ जाए इधर ज़्यादा आ जाए. तो ये बैलेंस में नहीं है. तो मैंने अगर ऐसे रखा है तो मेरा बॉडी वेट बैलेंस में है. मुझे कोई ऐसे पुश करेगा तो भी मैं नहीं गिरूंगी और आगे भी मैं नहीं गिरूंगी. और आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ आपकी जो आप लेग पे जो है आपको वेट ट्रांसफर आपको अपने टो पे मतलब कि यहाँ बॉल ऑफ द फिट पे जो है वेट रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसे अगर अपने आप मतलब फिट पे रखोगे तो आपकी मूवमेंट जो होगी वो तुरंत क्विक हो जाएगी. बॉल जो है क्योंकि तुरंत रिएक्ट करना होता है बॉल में तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे बॉल ऑफ द फिट पे अगर आपकी वेट रही तो. अब आपकी आपने पैर के बारे में हो गया फिट के बारे में आप जान चुके होंगे कि कैसे स्कोर रखना है. इसकी मेजरमेंट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि एक प्रॉपर आप अगर ऐसे मेजरमेंट करके करोगे तो वैसे ही देखो अगर आप वहाँ पे तो मेजरमेंट टेप लेके नहीं जाओगे ना पिच पे कैसे नापना है. तो आप यही चीज़ करो अपने अपने शोल्डर से अपने वेट को देख लो ठीक है. परपेंडिकुलर होना चाहिए बिल्कुल ठीक है ताकि आपकी बॉडी जो है एकदम बैलेंस में हो. मुझे कोई इधर पुश करे तो मैं ना गिरूँ और इधर पुश करे तो मैं ना गिरूँ ठीक है एकदम बैलेंस ठीक है.
अब आते हैं आपके स्टांस के बारे में। अब आपको बैट उठाना है, ठीक है, और ये ग्रिप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको बैट जो है कैसे ग्रिप करके पकड़ना चाहिए, ठीक है। इसे अब आप, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आपने ये आपकी फिट की होगी, ठीक है, एकदम मैं बैलेंस्ड हूँ, ठीक है, बॉडी मेरा आगे नहीं गिर रहा है वेट, और मेरा जो बॉडी बैलेंस जो है मेरे दोनों पैर पे वेट इक्वली ट्रांसफर्ड है। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो आपको चेक करना है अपने स्टांस में, वो कि आपको खड़े नहीं रहना है। आप, मैंने पैर अपने फिट ले लिया, ठीक है, मैंने बैट पकड़ लिया ऐसे, आपको जो है आपको नी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ एज अ बैटर, मैं आपको बता रही हूँ नी फ्लेक्सिबिलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अपने हिप को थोड़ा सा पीछे करके फिर आपको ऐसे स्टांस लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखिए, ये ऐसे, ये, ठीक है, और आपको यहाँ पे मैं हर एक चीज़ लाइन वाइज बता रही हूँ मैं, ठीक है, आपको क्या क्या पॉइंट है, आपको क्या क्या चेक करना है। ये हो गया, आपकी हिप जो है थोड़ी सी पीछे, थोड़ा सा पीछे इसको पुश कर, और फिर आपका जो थर्ड पॉइंट है आपको क्या देखना है, वो आपका शोल्डर देखना है, जो आपके बॉलर को फेस करी है वो शोल्डर, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपकी नॉन डोमिनेट शोल्डर है, जो आपकी जो बॉलर को फेस कर रही है, वो तो उससे एकदम बॉलर को दिखेगी, ठीक है, एकदम डाउन टू द विकेट होनी चाहिए आपकी ये फ्रंट शोल्डर, और आपकी जो हेड पोजीशन है वो एकदम आपके शोल्डर से एकदम मैच करना चाहिए, और ये जो दूसरी शोल्डर है जिसकी आपकी बॉटम हैंड जिसने आपको पकड़ा हुआ है, आपको इसको विजिबल नहीं करना है, इट मीन्स दैट कि आपकी स्टांस जो है प्रॉपर नहीं हो। ये हो गया, ठीक है, और एक बैट की फेस जो है, ठीक है, आपने ग्रिप किया बैट को, ये देखिए, ये आपका ये जो है इनर थाई पे रिलैक्स करेगा ये आपका बैट, ठीक है, ये विकेट कीपर टू सेकेंड स्लिप तक के बीच में आप इसका बैट के फेस को खोल सकते हो, विकेट कीपर टू सेकेंड स्लिप, तो आपको इस बीच में अपने बैट के फेस को जो है खोल के रखना है, और ये विजिबल नहीं रहेगा, ये रहेगा। अब आपके क्या क्या हो गए, अब मैं आपको शुरू से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। पहले आपको अपनी फुट देखनी है, वो आपके फिट जो है कि नहीं प्रॉपर विड्थ पे, जो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर आपका दूसरा हो गया, आपको नी को थोड़ा सा फ्लेक्स करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि शॉट के, ठीक है, नी फ्लेक्सिबल, आप जितने बोलते हो ना ग्राउंडेड शॉट वी में खेलना चाहिए, तो वी में खेलने के लिए ना देखो, आप अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, नी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो आप ऐसे नी से वैसे भी छक्के मार सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, खड़े खड़े से ज़्यादा अच्छा पावर जाएगा झुक के मारने में, तो वो ग्राउंडेड शॉट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और हिटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपकी नी जो है फ्लेक्सिबल है। तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा शोल्डर डाउन टू द विकेट, ठीक है, और आपकी हेड क्या रहेगी, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, एकदम ऐसे, किसको फेस करेगी आपके हेड, आपके हेड फेस करेगी बॉलर को, ठीक है। बैट कहाँ होना चाहिए, विकेट कीपर से सेकेंड स्लिप तक के बीच में होना चाहिए, बैट का फेस थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, ठीक है, आप ऐसे भी मत रखना, ऐसे भी मत रखना, बस थोड़ा सा ओपन करके रखना बैट के फेस को, ठीक है। ये हो गया, ये सो आपके बेसिक्स जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आप चाहे ड्रिल कर रहे हो, चाहे आपकी स्टांस हो गई, और स्टांस मैं आपको फिर से एक बार लास्ट में रिपीट कर दे रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड होने चाहिए आपके स्टांस, ताकि आप हर एक शॉट्स को खेल पाओ। आपको पेसर भी खेलने हैं, आपको स्पिनर भी खेलने हैं, आपको पेसर्स में भी आप जान ही सकते हो कितने आप कितने तरीके के बॉल आते हैं, बाउंसर आते हैं, आउटस्विंग होते हैं, इनस्विंग होते हैं, तो वही चीज़ है, स्टांस इसलिए मैटर करता है। थैंक यू।